अभी मैं कुछ दिव्यांगजनों से बात कर रहा था तो उनका कहना था कि हम लोग को कुछ भी नहीं बताया गया है, ऐसा क्यों? अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। नहीं तो बताएगा कौन? आप जिला प्रबंधक हैं। जिला प्रबंधक है तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये बिट भी देने का अधिकार हमें नहीं है, बट आपके रिक्वेस्ट के थ्रू हम ये कर दे रहे हैं। लोग जैसा कि बता रहे हैं कि बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लिए हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा धरातल पर सर। अब इसके लिए तो आपका नज़रिया है देखने का? नहीं, नज़रिया क्या, उस लेटर में भी बताया गया है कि प्रशासन का सहयोग होगा, मतलब कि पुलिस बल का सहयोग होगा, वो भी नहीं। नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, ये दिशा निर्देश तो जिला प्रशासन का है। जिला, आप भी कलेक्ट्रेट का मतलब कि ये पहने हुए हैं लेटर, क्या बोलते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड, तो कुछ लिमिटेशन होता है कि इतने लोगों का ही जांच करना है या फिर ऐसा कुछ? हम लोगों का कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने भी पेशेंट आएंगे, 1,000 आएं 10,000 आएं 10,000, अगर दिन में अगर आ जाएंगे तो 10,000 का भी जांच करेंगे, पूरा रात जांच होगा। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूँ गया जिला के खिजरसराय प्रखंड के यशवंत हाई स्कूल में, और यहाँ पे भारत सरकार का एक योजना है ADIP प्लस RV भाई के तहत यहाँ पे दिव्यांगजनों को मतलब कि चिकित्सा जांच किया जा रहा है। और यहाँ पे जिला के कुछ अधिकारी हैं और जो मतलब कि बाहर से जो लोग अधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार का यहाँ पे चिकित्सा सुविधा दिया जा रहा है। यहाँ पे संजय जी हैं। संजय जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत। जी, सभी को नमस्कार। क्या सर, एक बात बताइए कि जैसे कि आप जिला प्रबंधक हैं, है ना, तो यहाँ पे किस प्रकार का मतलब कि कैंप का आयोजन किया गया? ये कैंप एडिप योजना के अंतर्गत किया गया है, और ये एक नया कैंप नहीं है, ये लगभग हर साल एडिप के द्वारा लिम्को से किया जाता है। पिछले साल भी हुई थी और इसी साल में हम लोग CRC द्वारा भी कैंप दो जगह करवाए हैं, अनुमंडल शेरघाटी और गया सदर में। तो ये दिव्यांगजनों के लिए एक्चुअली खासकर उनके लाभकारी से ज़्यादा बेटर कुछ योजना नहीं दिखता है, जो सहायक उपकरण इनको डायरेक्ट मिल जाती है छोटी सी असेसमेंट के द्वारा, और असेसमेंट में बहुत चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक आय प्रमाण पत्र की और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की। हालांकि सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2020 से ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया गया बिहार सरकार द्वारा, फिर भी एडिप योजना के अंतर्गत एलिम्को द्वारा ये जो प्रमाण पत्र दिव्यांगता का, जो हैंड रिटेन प्रमाण पत्र है, उसकी मान्यता के द्वारा इन लोगों को सभी उपकरण मुहैया कराया जा रहा है। सर, एक बात और बताइए कि दिव्यांगजनों को अभी जो मतलब कि सुविधा दे रहे हैं, वो रिसेंटली सुविधा आप लोग क्या दे रहे हैं? रिसेंटली दिव्यांगजनों को बिहार सरकार द्वारा पेंशन योजना मिलती है, और हमारे पास बहुत से जिला में ब्लॉक के थ्रू या फिर डायरेक्ट आवेदन जाती हैं, तो उनको ट्राई साइकिल, बैसाखी, व्हील चेयर, इवन हम लोगों ने पिछले साल 100 मोटराइज ट्राईसाइकिल भी दिव्यांगजनों को मिला है। परहैप्स ये आप मोटरसाइकिल दिखवा सकते हैं, ये अभी हम ही लोग द्वारा प्रोवाइड करवाया गया जिला प्रशासन द्वारा। नहीं, शिविर में आप लोग क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं दिव्यांगजनों को? शिविर में एक्चुअली हम लोगों को मॉनिटरिंग, प्रचार प्रसार करने की जिम्मेवारी दिया गया जिला प्रशासन द्वारा, और मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी लोगों को ये लेटर दिया गया है कि एक स्थान दे और स्थान पे जितनी सारी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराएं। वो लेटर दरअसल मेरे पास भी आया सर, और हमें उसमें लिखा गया दिखा मतलब कि बताया गया है कि जितना भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं या फिर मतलब कि प्रखंड के प्रतिनिधि हैं, जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, मतलब कि यहाँ के जो दिव्यांगजन हैं उनको जागरूक किया जाए। अभी मैं कुछ दिव्यांगजनों से बात कर रहा था तो उनका कहना था कि हम लोग को कुछ भी नहीं बताया गया है, ऐसा क्यों? अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। नहीं तो बताएगा कौन? आप जिला प्रबंधक हैं। जिला प्रबंधक है तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये बिट भी देने का अधिकार हमें नहीं है, बट आपके रिक्वेस्ट के थ्रू हम ये कर दे रहे हैं। ये अनुमंडल पदाधिकारी आपको दे सकते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी या खुद सहायक निदेशक महोदय। आपका दिशा निर्देश में हो रहा होगा ना कहीं ना कहीं? नहीं, ये दिशा निर्देश तो जिला प्रशासन का है। जिला, आप भी कलेक्ट्रेट का मतलब कि ये पहने हुए हैं लेटर, क्या बोलते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड? तो आइडेंटिटी कार्ड मेरा होने का मतलब हमारी जो कैपेसिटी है, जो मेरी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब का, उस अनुकूल ही हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका काम क्या होता है, यहाँ पे क्यों आए? हम अपना मॉनिटरिंग के लिए आए हैं, हमें हमारी एक टीम है यहाँ पे बुनियाद का, मेरी टीम ऑलरेडी पहले से ही इन लोग लगे हुए हैं प्रचार प्रसार करने में, और ऐसा नहीं है, हमारा ग्रुप है दिव्यांगजनों का, उस ग्रुप के माध्यम से जहाँ तक पहुँच सकते थे, ब्रिज संघ है उसके माध्यम से लोगों ने प्रचार प्रसार किया है, और इंडिविजुअल बहुत से लोगों को जिनको नहीं मिला है, ये तो उनकी ये है, लेकिन हमने तो सारे लोगों को बता चुका है। अच्छा, एलिम्को के द्वारा मतलब कि यहाँ पे आयोजन किया गया है, और आप लोग जैसा कि बता रहे हैं कि बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लिए हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा धरातल पर सर। अब इसके लिए तो आपका नज़रिया है देखने का? नहीं, नज़रिया क्या, उस लेटर में भी बताया गया है कि प्रशासन का सहयोग होगा, मतलब कि पुलिस बल का सहयोग होगा, वो भी नहीं।
पुलिस बल के लिए तो थाने में भी लेटर गया होगा और इसके लिए तो बिल्कुल गया है, मतलब कि ना तो इसके लिए तो जो ब्लॉक प्रशासन है या फिर अनुमंडल प्रशासन है उन लोगों को देखना चाहिए। हम सभी जगह अपने मेरी को कैपेसिटी ही नहीं है एक लाइन की बात बोले तो। अच्छा, जैसे कि ये बाहर से आए हैं कुछ क्या बोलते हैं कि डॉक्टर की टीम है, ये भी कहीं ना कहीं जाएंगे, दूसरे राज्य से आए हैं लोग, तो कहीं ना कहीं बिहार की छवि मतलब कि खराब। नहीं नहीं, अलिम्को का एक नया कैंप नहीं है, सबसे बड़ा कैंप हम ही लोग करते हैं गया जिला में, और एक नया कैंप नहीं है। और यहाँ पे दिव्यांग लोग से पूछिए, बहुत से लोग हैं जो जान रहे हैं कि जो जितने लोग कैंप में रेगुलर आते रहे हैं, हम भी रेगुलर आते रहते हैं और लोगों को देखते हैं कि मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, अब ये जिला प्रशासन से आप इसके बारे में जानकारी, इसके मतलब कि इसके बाद कितना दिनों के बाद इन लोगों को मुहैया करवाई जाएगी? ये तो अलिम्को अपना सूची भेजती है, मैक्सिमम 3 से 4 महीने का टाइम लिया जाता है, अब आप अलिम्को से पूछ सकते हैं। अलिम्को के कुछ अधिकारी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो इस संबंध में क्या कहते हैं। सबसे पहले बताइएगा सर आपका नाम? नवीन कुमार है नाम मेरा। नवीन जी, एक बात बताइए कि जो मतलब कि शिविर का आयोजन हुआ है, इससे दिव्यांगजनों को डायरेक्ट क्या लाभ मिलता है? यहाँ पे हम लोग कोलकाता से पूरा टीम लेकर के आए हैं। कोलकाता के टीम को यहाँ पे डिप्यूट किया गया है कि यहाँ पे एक वितरण हमारा परीक्षण शिविर लगाने के लिए, हम उन दिव्यांगजनों का परीक्षण करते हैं जिनको चलने में असमर्थ हो, और वृद्ध लोगों को भी हम लोग परीक्षण करते हैं जिनको डेली का सहायक उपकरण का किसी भी चीज़ का अगर ज़रूरत हो तो उनको प्रोवाइड करवाया जाए। तो हम लोग आज परीक्षण शिविर लगाए हैं, इसका परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने के बाद जो जो चीज़ जिसका आवश्यकता डेली आवश्यकता के हिसाब से जो भी चीज़ें इनको ज़रूरत पड़ेगी वो सब हम लोग यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद ये प्रिस्क्रिप्शन करके ये सारा का सारा ऑडिट होने के लिए हमारा मंत्रालय में जाता है, वहाँ से फिर इन लोगों का एक डिस्ट्रिक्ट है जो डेट देते हैं उसके हिसाब से जब भी वितरण का तिथि होगा वो निर्धारित किया जाएगा। अच्छा, इसके लिए कुछ पैसा वगैरह भी लगता है? नहीं नहीं, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बस इसके लिए नॉर्मल जो डेली का डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आधार कार्ड हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, विकलांगता प्रमाण पत्र हो गया, बस। और इसके लिए कहीं भी एक भी रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, अगर कहीं पर कोई लेता है तो वो पूरा का पूरा इलीगल है, वो लोकल प्रशासन को इसके बारे में खबर दे सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताइएगा, आप लोग का कुछ लिमिटेशन होता है कि इतने लोगों का ही जांच करना है या फिर ऐसा कुछ? हम लोगों का कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने भी पेशेंट आएंगे, 1,000 आएँ 10,000 आएँ 10,000 अगर दिन में अगर आ जाएंगे तो 10,000 का भी जाँच करेंगे, पूरा रात जाँच होगा। आप लोग अपने टीम में कितने लोग आए? हम लोग अपने टीम से 6 लोग टीम आए हैं, जिसमें कान के डॉक्टर 2 आए हैं, बाद बाकी का हम लोग पीएनडो अधिकारी जो हैं, पीएनडो प्रोफेशनल हैं वो 2 आए हैं, बाद बाकी का 1 टेक्नीशियन आए हैं, और 1 हैं जो जिनका पैर वगैरह कट गया उनका मेजरमेंट करने के लिए पीएनडो ऑफिसर आए हैं। अच्छा, वो भी उधर हैं, उनसे भी? अच्छा, एक क्या बोल रहे हैं? बोलता नहीं है। अच्छा, जो नहीं मतलब ये सर बोल रहे हैं कि जो मतलब कि मुख से बोल नहीं पाता उनके लिए क्या है? मुख बधिर के लिए हम लोगों का अभी योजना के अंतर्गत कुछ अभी नहीं है, उसके लिए काम चल रहा है, बहुत जल्द उनके लिए भी मुहैया करवाया जाएगा। अच्छा, उधर क्या बोले कि कान और मतलब कि जिसका पूरा कटा हुआ है उसके लिए उधर भी क्या बोलते हैं कि कुछ लोग हैं अधिकारी, हम उनसे ही बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मेजरमेंट टीम है। सर, सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मिस्टर राजा बाबू है। राजा बाबू, राजा जी एक बात बताइए कि ये जो आपका मतलब कि स्टॉल है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मेजरमेंट लिया जाता है, जिनको जो इक्विपमेंट चाहिए उसका मेजरमेंट लिया जाता है। मतलब हम समझे नहीं, हमारे दर्शकों को अच्छे से समझे। जिनको जो ज़रूरत है, जो कैलिपर ज़रूरत है, जिनका पैर नहीं है उनको प्रोस्थेसिस लगेगा, जिनको चलने में असमर्थ है उनको सहायक के लिए ऑर्थोसिस दिया जाएगा। अच्छा, मतलब कि जिसका अगर पैर वगैरह क्या बोलते हैं कि कट गया है या फिर फ्रैक्चर होकर के टूट गया तो उसको नया अगर लगवाना है तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। कितने लोग यहाँ पर आए हैं क्या बोलते हैं राजा जी, आइडिया है आप? हाँ, अभी तो यहाँ पे 3-4 लोग आए हैं। अच्छा, 3-4 लोग आए हैं, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कान का ट्रीटमेंट हो रहा है, और देखिए एक पेशेंट भी हैं, थोड़ा सा जाइए, एक पेशेंट भी हैं और वहाँ पे डॉक्टर साहब भी हैं, हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि ये कैसे मतलब कि ट्रीटमेंट करते हैं और क्या क्या सुविधा मुहैया करवाते हैं। सबसे पहले बताइएगा सर आपका नाम क्या? मैं राम कुमार सिंह मेरा नाम है, मैं ऑडियोलॉजिस्ट एलिम्को से हूँ। यहाँ जो है ऑडियोमेट्री से कान की जाँच करता हूँ, चेकअप करता हूं, इनको कितने डीबी जो है सुनाई दे रहा है और उसी के अनुसार जो है पहले चेकअप करके ले जाएंगे, उसके बाद वहां से जो है मशीन लाएंगे, इनको जो है मशीन दे दिया जाएगा। सभी का मैं मोबाइल नंबर नोट कर ले रहा हूं, कहां कैंप लगेगा, कहां क्या होगा, इनको मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा किसी तरह इनको सूचना दे दी जाएगी और ये आएँगे और यहाँ से मशीन ले जाएंगे। मतलब कि इक्विपमेंट्स वगैरह भी आप लोग प्रोवाइड करवा?
जी जी जी। अच्छा, उसके लिए मतलब कि पेशेंट को कोई रकम वगैरह तो नहीं ना देना? नहीं नहीं, कोई नहीं, ये निःशुल्क है। गवर्नमेंट इन लोगों के लिए जो है कोई एक रुपये का चार्ज नहीं है, निःशुल्क इन लोगों की व्यवस्था है, निःशुल्क दी जाएगी। और डिजिटल मशीन है, प्रोग्रामिंग इन लोगों की मशीन होकर के मिलेगी, और कोई किसी प्रकार की उससे दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ इनको एक वर्ष के लिए जो है उसमें जो बैटरी लगता है वो बैटरी लगाने के लिए दी जाएगी। सब निःशुल्क है, कोई इसका चार्जेस नहीं है। आप लोग कहाँ से हैं सर? मैं एलिम्को से आए हैं। अच्छा, ये कोलकाता? हाँ, एलिम्को कोलकाता से आए हैं। ऑपरेशन भी हाँ? नहीं, ऑपरेशन नहीं होता है यहाँ पे, यहाँ पे चेकअप होता है। ऑपरेशन भी करता है? नहीं जी, जो 6 साल के नीचे वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जो है ऑपरेशन की व्यवस्था। जी जी, और उससे अगर ज़्यादा है तो उनको मशीन के लिए मशीन दी जाती है। अच्छा, देखिए यहाँ पे एलिम्को के तहत क्या बोलते हैं कि जांच शिविर का आयोजन किया गया है, और वहाँ पे जो एलिम्को से आए हैं जो वरीय पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि हम लोग मतलब कि तन मन से यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन जो क्या बोलते हैं कि प्रशासनिक टीम जिसको बोलते हैं कि पुलिस बल, उसकी भी तैनाती की जानी थी, लेकिन धरातल पर वो नहीं दिख रहे हैं। हम इस संबंध में आगे भी आपको खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।